ये बेसन का लिक्विड है और इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इतना कि बस आलू जो है वो इसमें फिल हो जाए। इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, काली मिर्च, सोडा, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और नमक बस। और ये जो मैंने आलू की चीज़ें बताई थी इसमें मैंने दो तीन चीज़ें ऐड कर दी हैं, हरा प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और कच्चा प्याज, और बाकी जो चीज़ें इसमें डाली थी कुटी मिर्च, नमक और कुटी मिर्च डाली थी मैंने इसमें, पिसा कुटा हुआ धनिया डाला था और काली मिर्च और नमक डाला। तो इसके सबके पेड़े बना के रखने हैं और ये लिक्विड तैयार कर लिए। और एक तरफ जो है ये हमने तैयार कर लिया है बैगन, इसके भी गाइस इसके जो है मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी कि कैसा बनता है। ये भी कुछ फ्राई हो रहे हैं, मैं थोड़े से आपको दिखाती हूँ। ये बैगन फ्राई हो रहा है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बैगन जो है इसमें मैंने मिलाया था थोड़ा सा थोड़ी सी हल्दी मिलाई थी, थोड़ी सी मिर्च मिलाई है, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी, क्योंकि ऑलरेडी जिस बेसन में मैं इसे जो है वो लपेटूंगी फिल करूंगी इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने इसको धो के और थोड़ी देर पानी में छोड़ दिया था भिगो के ताकि इसका कालापन जो है वो निकल जाए। तो ये बैगन थोड़े से फ्राई करूँगी। और एक और नई चीज़ है, ये है दाल के पकौड़े। इसमें मैंने नमक डाला है और पालक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, प्याज डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है और इसके अलावा थोड़ा सा धनिया डाला है। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मैंने डाल दी, ये आपको नज़र आ रहा है पालक। और ये इतने मज़े का फ्राई होता है, अब मैं इसको फ्राई करते हुए भी आपको दिखाऊंगी। रमज़ान में ट्राई करिएगा, बहुत यम्मी होता है। और ये एक तरफ हमारे बैगन भी तैयार हो गए हैं, मैं इसको निकाल के दूसरे डालूँगी। और मेरी फ्रेंड्स ने पूछा था कि मैं इसको जो है वो इसमें किस तरह लपेटती हूँ कि बिल्कुल ठीक फ्राई हो, तो मैं इसका भी आपको बताती हूँ।